हे गाइस, वेलकम बैक टू ओएफटी ब्लॉग्स। तो नया दिन नया सफर शुरू होने वाला है। तो मार्च महीने में काफी अच्छी खासी ट्रैवलिंग होने वाली है, होप आप सबको पसंद आएगा। तो देखते हैं कैसा जाएगा हमारा ये मार्च का महीना और कितने ब्लॉग्स आ सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करूंगा ज्यादा ब्लॉग्स आए। और ये मेरी शॉर्ट ट्रिप की पैकिंग कंप्लीटेड, पैकिंग इज डन, आई एम रेडी टू गो। तो चलते हैं नई जगह नई लोकेशन। घर से निकल के कहीं और आना कुछ दिनों के लिए इज नॉट दैट इजी, घर वालों की बहुत याद आती है। ये तो अच्छा है कि वीडियो कॉल्स एंड कॉल्स पे हम बात कर लेते हैं। कल्याण पहुंच गए अपने लगेज के साथ। भाई प्लेटफॉर्म टिकट ले रहा तब तक मैं तब वीडियो बना लेता हूँ। बड़े भैया अपना फर्ज निभाते हुए चलो टाटा मुंबई, मिलते हैं कुछ दिनों बाद। पहुंच गए अपनी जगह पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और ये रहा हमारा सामान। भैया जी मेरा जाने का वेट कर रहे, देखो। और ये निकली मेरी हरिद्वार एक्सप्रेस सवारी। बाय बाय कल्याण, मिलते हैं कुछ दिन बाद, सी यू सून। ट्रेन लगभग खाली है हरिद्वार एक्सप्रेस, इट्स 2:14 और हम यहाँ भुसावल स्टेशन पे हैं। 8:30 बजे बैठे थे, 8:48 पे बैठे थे ट्रेन पे, भुसावल स्टेशन 2:14 पे पहुँचे हैं। मैं ट्रैवलिंग में ज़्यादातर हेल्दी फूड्स या फिर घर का खाना ही खाता हूँ। मेरी सीट है साइड पर आरएसी वाली एंड मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ विद सीरियस साइड। अकेले ट्रेवल करने के बाद दोस्त नहीं पड़ते हैं एंड एवरीवन इज स्ट्रेंज, के सब स्ट्रेंजर ही है, तो बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है और दूसरे के सामने अपने काम करने में भी थोड़ी बस हिचकिचाहट होती है। जैसे कि ब्लॉगिंग करने में सोच रहा हूँ बोलूँ नहीं बोलूँ, क्योंकि पता था वहाँ 10 मिनट होल्ड करेगा तो उस पर। तो मिलते हैं अगले स्टेशन पे। पूरा कंपार्टमेंट गहरी नींद में, करीब 1.5 घंटे बाद स्टेशन आया, उतरा सामान लिया और वापस बैठ गया। सब सो रहा है स्टेशन से। चलो पहुंच गए निज़ामुद्दीन, दिल्ली पहुंच गए। मेट्रो स्टेशन के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट प्लेटफॉर्म के। वेलकम टू दिल्ली। निज़ामुद्दीन स्टेशन से 5 मिनट के वॉक के बाद मिलता है इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के लिए बस। तो वही बस पकड़ के जिसका फेयर था सिर्फ 5 रुपीज मेट्रो स्टेशन तक के लिए। दिल्ली परिवहन निगम इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन जाने के लिए यहाँ से वो ब्रिज क्रॉस करके वहाँ जाना है, सामने मेट्रो स्टेशन। और जो दिल्ली फर्स्ट टाइम आएगा वो स्टेशन के यहाँ से कभी ऑटो मत लेना, थोड़ा आगे जाके बस या फिर ऑटो करना 5 मिनट के वॉक के बाद, वरना बहुत कॉस्टली पड़ेगा।
लूट लेंगे आपको 100-150 रुपया एक्स्ट्रा, जबकि 10 से 5 रुपये में आप इनके पास पहुँच जाओ। फाइनली इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। ये है इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन। मुझे द्वारिका के साइड का ट्रेन लेना था, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 से था। फाइनली मैं घर पहुंच गया एंड टाइम से पहुंच गया। मुदीन स्टेशन पे मैं पहुंचा था 6:35 पे एंड देन वहां से बाहर निकला, जो कि वहां पे ऑटो लेने को तंग किया 1300 रुपया 100 रुपया 150 रुपया, जबकि था सिर्फ 10 रुपया, फिर 5 रुपया फेयर था बस का 5 रुपया और ट्रेन ऑटो का 10 रुपीज फॉर इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन। तो मैंने वहां से नहीं लिया, मैं आगे गया थोड़ा वॉक करके पूछ के कि कहां से मिलता है, फिर मैं आगे जाके लिया मैंने बस। वहां से मुझे बस मिल गई, जो कि मैं 5 रुपये में इंद्रप्रस्थ पहुंच गया। तो इसी के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से ये हो गया मुंबई टू दिल्ली का सोलो ट्रैवल। और इसके आगे की जो वीडियोस होंगी वो काफ़ी अच्छी होंगी, वो आप सबको पसंद आए। तो इसी के साथ लेते हैं विदा और मिलेंगे जल्दी ही अगले ब्लॉग में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। होप यू लाइक इट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।